मैंने लेमन ने मिंट वाला मंगवाया, नींबू जी छोड़ ही नहीं दिया, कहते खुद नहीं छोड़ो। जब से दिल्ली आई हूँ पहली बार अजान की आवाज सुनी, घर वाली फीलिंग आई। बस पकड़ लिया मैंने, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है बस कहाँ जाती है। और यार यार मेरे को एक रोड क्रॉस नहीं होती, यहाँ पे तो चौराहा है, ये तो दलदल है जैसे मेरे लिए रोड क्रॉस करने को। यहाँ पे तो मैंने सूरज भी नहीं देखा जब से मैं आई हूँ। तो अभी मैं गई थी कहीं पे किसी से मिलने, मतलब प्रमोशन ब्रांड क्या बोलते हैं यार, मैं इतनी डफर हूँ मेरे को पता ही नहीं मैं किससे मिलने, मैनेजर। हाँ, पहली बार लाइफ में मुझे कुछ प्रोफेशनल फील आया। डेट क्या है आज देख लेती हूँ। तो आज है 19th of October और अभी मेरा मूड काफी अच्छा है, तो आई विल डांस अ लिटल, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब इतना करूंगी कि मेरी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? ओके पेट, ओके कर लो, ओके सर्वाइकल कर लो, ओके IBS कर लो, हाँ हमारी तरफ से फुल परमिशन है। चलो कर लेती हूँ। एलेक्सा प्ले गुलाबो। स्पॉटिफाई से विशाल बदनामी का गाना गुलाबो। सिर्फ डांस करने के लिए मैंने पोनी भी कर ली और जैकेट भी खोल दी, अब करते हैं थोड़ा सा डांस। यार मैं माहौल क्यों बना रही हूँ डांस करने का, मुझे डांस तो नहीं करना, पोनी करना मतलब डांस करने का माहौल बनाना, पर थोड़ा सा कर लेती हूँ यार, मजे के लिए कर लेती हूँ ना यार डांस, इसमें थेरेपी यार, थोड़ा सा करूँगी। ओके एलेक्सा स्टार्टिंग से बजा। यार मैंने डांस तो कर लिया, करना तो नहीं चाहिए था पर चलो। तो मुझे बड़ी एंजाइटी सी हो रही थी और मैं मोहितो पीने, मोहितो मोजीतो जो भी बोलते हैं पीने आई थी। मैंने लेमन ने मिंट वाला मंगवाया, नींबू नहीं छोड़ गई, नहीं दिया कहते खुद नहीं छोड़ो, मैंने बीच में से निकाला क्योंकि निचोड़ के पीऊंगी। आई थिंक इनके पास निचोड़ने वाला वो जो होता है ना नींबू निचोड़, वो नहीं होगा, गरीब है बेचारे मेरे ख्याल से, सबके मतलब इसके बीमार सबके नींबू डाल के देते हैं, कहते हैं कुछ निचोड़ लो, फिर ऐसे सब अपना अपना काम खुद करें ना, ऐसे इनको मेहनत करनी पड़ेगी, सारे बैठ के नींबू निचोड़ेंगे, फिर खाना कौन बनाएगा। अब पी के लिखती हूँ, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुझे पानी मत लाना, ग्लास अच्छा है। अरे एक और नींबू दिया नहीं जोड़ने को, ये देखो नींबू ही नहीं जोड़ा ने टंगा, मुझे पानी तो आया आपके वैसे। हाँ अब बेटर है। इस वक्त मेरी शक्ल के 12 बजे होंगे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर और कोल्ड और सब कुछ हो गया एक साथ। मतलब सपने में मैंने देखा कि ढेर सारे डियर होते हैं, मतलब वो स्क्वायरल और डियर एक जैसे मतलब मिक्स होते हैं, मिक्स ब्रीड होती है स्क्वायरल और डियर की। तो क्या होता है कि मैं उनको कच्ची गाजर खिलाती हूँ, तो फिर पुंछ में एक शॉप है मतलब मेरे घर के पास में सब्जी वाले की, मैं उसके पास जाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ गाजर देना, तो सारे डियर 5-6 डियर होते हैं वो मेरे साथ साथ आ जाते हैं पीछे पीछे गाजर खाने के लिए, क्योंकि वो स्क्वायरल भी होते हैं डियर भी होते हैं इसलिए उनको गाजर खाने का मन होता है। तो फिर मैं उनको गाजर खिलाती हूँ, तो फिर वो कहते हैं कि हमको गाजर का हलवा खाना है, तो फिर मैं उनको एक और दुकान में ले जाती हूँ, उनको गाजर का हलवा खिलाती हूँ सबको, फिर मेरी नींद खुल गई, फिर मेरे को गाजर का हलवा खाने का मन हुआ, तो फिर मैंने मंगवा लिया और फिर आ भी गया। मतलब अगर मैं इस वक्त पूंछ होती ना तो मैं मम्मा को बोलती, मम्मा यार गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा, मैंने सपने में देखा था। फिर मम्मा पहले हंसते फिर बोलते कि गाजर का हलवा बनाना मुश्किल है, बाजार से मंगाओ, फिर कौन बाजार जाए और फिर गाजर का हलवा ले, कभी कभी तो बाजार में गाजर का हलवा मिलता भी नहीं है। हाँ मे भी अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मे भी अभी मिल रहा हो, जैसे त्योहारों में बना होता है हर दुकान में, इसलिए मुझे यहाँ पे आके काफी मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज़ मिल जाती है, मतलब सब कुछ मिल जाता है, मतलब ऑनलाइन, मतलब बस बैठे रहो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। मैं तो हैरान होगी कि सब सब्जियाँ भी मिल जाती है ऑनलाइन, एक पुंछ की लड़की
ये लिए काफी फैसिनेटिंग है ये चीजें। बाकी आप लोगों को चीजें नॉर्मल लगती होंगी क्योंकि आप शायद मतलब काफी लोग ये चीजें देखते हैं तो, लेकिन जैसे पुंछ में ऐसा कुछ नहीं है तो वैसे उन लोगों को ऐसी चीजें काफी फैसिनेटिंग लगेंगी मेरी तरह। तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुँह में पानी मत लाना, टेस्टी नहीं है ठीक है। वाह 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 वाह। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वन कार्ड के बारे में। वन कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री टेक पावर्ड मेटल क्रेडिट कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही क्लासी और यूनिक है क्योंकि एक वर्चुअल कार्ड भी है जो कि बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ आता है, प्लस ये लाइफ टाइम फ्री है। मैं आपको वन कार्ड के कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताती हूँ। इन ऐप EMI डैशबोर्ड, जिसमें आप ऐप के अंदर ही अपने स्पेंड्स को कन्वर्ट कर सकते हो EMI में, और जस्ट 1% फोरेक्स, तो इंटरनेशनल स्पेंड्स के लिए बेस्ट है। स्वाइप टू पे जो कि बहुत कूल फीचर है, जिससे आपको OTP की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली फीचर, जिससे आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ क्रेडिट लिमिट शेयर कर सकते हो और उनको खुद का वन कार्ड मिल जाएगा। हर बार स्पेंड करने पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो कि कभी एक्सपायर नहीं होगा, और इन ऐप रिडीम हो जाएगा फॉर कैश इंस्टेंटली, और 5x रिवॉर्ड बूस्ट भी मिलता है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे रियल टाइम स्पेंड एनालिसिस, एडवांस कंट्रोल, अमेजिंग ऑफर्स, और बेस्ट बात यह है कि ये बिना किसी क्रेडिट स्कोर के भी मिल सकता है। आपको बस FD क्रिएट करनी है और आपको 100% क्रेडिट लिमिट मिलेगा, और अच्छे से वन कार्ड यूज करने पे क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होगा। और हाँ, आजकल मैं अपने सारे स्पेंड्स अपने नए क्रेडिट कार्ड से कर रही हूँ। डाउनलोड वन कार्ड ऐप एंड इंस्टेंटली गेट योर वर्चुअल कार्ड, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जब से दिल्ली आई हूँ पहली बार अजान की आवाज सुनी और घर वाली फीलिंग आई, क्योंकि पुंछ में तो हमारे घर के पास ही मस्जिद है तो हम हर टाइम अजान सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे जब से आई हूँ मैंने एक बार भी अजान नहीं सुनी। मुझे लगा यहाँ पे पता नहीं शायद अजान होती नहीं है, पर यहाँ पे जहाँ पे मैंने फ्लैट लिया यहाँ पे कहीं पास में अजान हो रही है, और मुझे घर वाली फीलिंग आई क्योंकि हम बचपन से अजान सुनते आए ना, तो फिर वो अब चीज़ ना नॉस्टैल्जिक सी हो गई है। मतलब घर वाली फीलिंग देता है, पुंछ वाली फीलिंग देता है। ये जो पुंछ में शायद लोग होंगे वही समझ सकते हैं, पता नहीं यार। पर ये मैं आपको ऐसे लग रही हूँ तैयार, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे को कोल्ड हुआ है तो मेरा बाहर जाने का प्लान था कि मैं दिवाली के लिए कुछ सामान ले लूँ अपने लिए, कुछ डेकोरेशन के लिए, पर मेरे को जाया नहीं जा रहा तो मैंने सोचा कि मैं रील बना लेती हूँ। मेरी लिपस्टिक आई ना, लिप कलर मैंने मंगवाया तो फिर ये आई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं रील बना लेती हूँ। तो वही तैयार ही हो रही थी तो मेरे को आवाज़ आ गई अजान की, और तैयार क्या हो रही थी, बिना मुंह धोए तैयार हो रही हूँ मैं। जब भी मेरे को ऐसे कुछ रील वील बनानी होती है ना तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसी लिपस्टिक शिपस्टिक लगा लेती हूँ, बाकी तो फिल्टर होता है, पता नहीं चलता मुंह नहीं धोया वो बंदे ने, तो फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि दो बार मुंह धोना पड़ेगा, तो इसलिए मैं फिर सोचती हूँ कि एक ही बार मुंह धोऊंगी बाद में, ये रील बनाने के बाद दो बार मुंह नहीं धोना पड़ेगा, बिना मुंह धोए रील बना लो और फिर बाद में मुंह धो लो रील बना के। शायद ही बनाऊँ यार, मतलब मैं कई बार तैयार होती हूँ रील बनाने के लिए और रील बना के ड्राफ्ट में रख देती हूँ, अपलोड ही नहीं करती। मुँह धो लिया मैंने और अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेने इस वक्त बाहर जा रही हूँ। मतलब 6:30 हो रहे हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है, और मानो कि मेरा फ़ोन का चार्जर वापस ख़राब हो गया। मतलब मैं इतने अच्छे से हैंडल कर रही हूँ और इतने अच्छे से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ यार, स्टिल ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। तो अब मैं कोई पास में कोई एप्पल स्टोर होगा देखूँगी तो वहाँ जाऊँगी। और हाँ, जुकाम की और फीवर की टैबलेट लानी है, और हाँ बाकी सब है मेरे पास। थैंक गॉड मैं इनर और फिरन पहन के आई, दोनों चीज़ें पहन के आई। बाहर बहुत ठंड है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ठंड है। तो ये है iPhone 13 Pro का कैमरा, सॉरी iPhone 13 13 बोल रही हूँ 14, अरे उतर गया, मैंने नहीं उतारा, मैंने कुछ नहीं किया। तोड़ दिया क्या मैंने? तो ये है iPhone 14 Pro Max का कैमरा। मुझे iPhone 13 Pro भी इतने का ही पड़ा था और ये प्रो मैक्स है, सस्ता है यार। अच्छा जी, ये देखना टेम्पर, हथौड़ा मारेंगे तो भी नहीं टूटेगा, और कितने का है? 2000 का है? बकवास करते हैं, हथौड़ा मारेंगे। आईफोन को थोड़ा सा ऐसे टच कर लो ना तो भी टूट जाता है।
यहाँ पे कहीं पे खड़ी हूँ मैं, यहाँ पे लाइट अच्छी है तो वीडियो बना लेती हूँ। ये आईफोन वाले इतना डैश बनाते हैं ना, मतलब एप्पल इज अ दल दल। अगर आप इसमें पड़ जाओ और वो भी मिडिल क्लास बंदा इसमें पड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि बनाते हैं यार, डैश बनाते हैं यार ये। मेरे ये मैंने बहुत पैसे रोड़े यार आईफोन में अभी तक, आगे भी रोड़ूंगी, मैकबुक लूंगी। बस पकड़ लिया मैंने, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है बस कहाँ जाती है। पर मेरे को लगता है मेरे हिसाब से, मैप के हिसाब से मुझे सीधी ही जानी चाहिए, अगर इधर उधर हुई तो फिर मेरे को और लंबा पड़ जाएगा। ये तो यहाँ पे स्टॉप बटन भी है, लोगों को लगे ना कि हाँ मैं गलत रास्ते में जा रही हूँ तो मैं स्टॉप कर सकती हूँ। यार बस से उतर के मैं, क्योंकि उल्ट जा रही है बस यार, ऐसे कैसे। मैं तो इस जगह की बस पकड़ी थी तो पर बस इधर क्यों नहीं गई, उधर कैसे गई, और अगर बस ने यू टर्न मारा तो मेरे को समझ क्यों नहीं आया, पता क्यों नहीं चला। रेड सिग्नल में कोई ऑटो खाली ढूंढ रही हूँ। खाली है नहीं, कोई है इसमें। और यार यार मेरे को एक रोड क्रॉस नहीं होती, यहाँ पे तो चौराहा है, ये तो दलदल है जैसे मेरे लिए रोड क्रॉस करने को। लोग यार अगर यहाँ पे कंफ्यूजिंग फेस देख लेना तो लोग, तो फिर खतरा है। आई शुड शो दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट वेयर आई हैव टू गो, है ना। आई नो वेरी वेल, अरे ये बंदा मेरे को क्यों देख रहा है यार, आई नो वेरी वेल कहाँ जाना है। यार ये ले ले, क्यों दिवाली आ रही है, मतलब दिवाली है, मैं तो वैसे भी शॉपिंग कर रही थी दिवाली की। भैया एक लड़ी कितने की है? 30 रुपये का, 30 रुपये का एक। हाँ। भैया ये कब तक लगे रहेंगे? अब तो डेढ़ लगा देना, लगे रहेंगे, मतलब जल्दी खराब तो नहीं होंगे ना। भैया 100 रुपये की कितनी दोगे? 100 रुपये की कितनी दोगे? 4 ले लो 100 रुपये की। आपको नुकसान नहीं होगा? या मैं बार्गेनिंग भी करना चाहती हूँ पर मैं साथ साथ बंदे को नुकसान भी नहीं करना चाहती। भैया आप 120 की दे दो, 4 120 की हुई ना 4। हाँ। भैया नहीं नहीं वो वाली नहीं, ये वाली दो, ये फ्रेश है, वो तो पुरानी दिख रही है मेरे को। चीटिंग है, चीटिंग पकड़ी गई। भैया ये वाली दे दो फ्रेश 4। नहीं भैया काट लो, छुट्टे को नहीं है भैया के पास, छुट्टे नहीं है तो उन्होंने मेरे को दे दिए। पर यार भैया मेरे को लक्ष्मी पूजा करनी है ना घर पे, मतलब दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो बार्गेनिंग करके आप लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते यार। किसी का हक मार के अपने लिए अपने घर में लक्ष्मी लाना इज़ वेरी बैड मेरे हिसाब से, इसलिए मैं 20 रुपये देखती हूँ, चेंज दूंगी हूँ अपने। भैया 2 लड़ियाँ और डाल दूँ पैसे? छुट्टे थे नहीं मेरे पास तो मैं 2 लड़ियाँ ले लेती हूँ तो पैसे पूरे हो जाएंगे एक तरह से। थैंक यू भैया, हैप्पी दिवाली। हाँ तो मैं यही कहना चाहती थी कि किसी और की दिवाली ख़राब करके हम अपनी दिवाली अच्छी कैसे कर सकते हैं, मतलब ख़राब इन द सेंस बार्गेनिंग करके। अब एक बंदा तो नहीं, इनसे सब भी बार्गेनिंग करते होंगे तो फिर तो इनको तो मतलब नुकसान ही हुआ ना। सभी अगर दिवाली में सब चीज़ें ये सोच के लें कि हमको बार्गेनिंग नहीं करनी है, अगले बंदे की भी दिवाली अच्छी होनी चाहिए, तो फिर तो मतलब कितना अच्छा होना। तो मैंने ऑटो ही ले लिया, बस का तो मुझे समझ आया नहीं अभी तक, पर बस फ्री में होती है तो मुझे बस का थोड़ा समझना चाहिए, बस का रूट कैसा कहाँ किधर जाता है। कैसे नहीं तोड़ा फिर, कैसे करना पे देखना, पेटीएम का आता है ना, जो पेटीएम का आता है हाँ। उस पे करूँ? इस पे करो ना, पेटीएम के नंबर लगाओ, इस नंबर पे पेटीएम का, पेटीएम ऐसा ही कह रहे हम। लगाओ नंबर, लगाओ पेटीएम पे, ये नंबर लगाऊँ? लिया कुछ नहीं मैंने, ऐसे ही मतलब इसकी माँ चूल्हे पे रोटी बना रही थी ना साइड पे, तो मेरे पास आगे पैसे मांगने, मेरे पास खाली 100 रुपये, तो 100 रुपये में बस मैं अपने घर पहुँच सकती हूँ, तो इसलिए बोलता कि पेटीएम कर दो, तो इसलिए मैंने पेटीएम कर दिया। दिवाली है तो मैंने सोचा उनको भी खुश कर दूँ। अभी कहाँ घुस रहा है, अभी मेरे को निकलने दो, तो भाई रेड बत्ती हो ना, फिर भी सबकी चूल मची हुई है, दिखता नहीं आप बड़ा लेवल ब्लॉक कर रही है, और ब्लॉक करते करते रोड क्रॉस कर रही है, रेड बत्ती है तो भी कर रही हूँ। रोड क्रॉस करना मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है यार। अरे ऊपर बना हुआ है वो रोड क्रॉस करने वाला, नहीं होता पुल पर वो सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे थक जाता बंदा। अबे यार इतनी हॉट लड़की है ना मेरे पीछे, मतलब मेरी साइड, अब वो दिखा नहीं सकती यार, निकल की शर्ट यार बहुत ज़्यादा हॉट है। शूट सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी इसलिए कि आपको हॉट लड़की देखने को नहीं मिली, खाली मैंने देखी बहुत हॉट थी। नाक बंद है और बुखार है और थोड़ा गला दर्द है, और फीवर की भी कोई दे दो दवाई, दे दो कोई कोई लाइट सी डोज देना। मैंने ऐसे खुद से दवाई खाई थी ना तो उसके बाद मेरे को बड़े चक्कर आने लगे। और डॉक्टर साहब दिवाली कैसी गुजर रही है? ऐसी है, ऐसी है, दिवाली ऐसे ही है जिसका
दिवाली के दिन तो दुकान बंद रहेगी ना? नहीं खुली रहेगी? अरे क्या बात है, सामने सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है कि अपर्णा जी निकल जाए। ओ नहीं चल रही है, एक सेकंड में रोड क्रॉस कर लेगा। इतनी अच्छी लाइन मार रही थी यार कि सब रुके हुए वहाँ पे मेरे लिए कि मैं रोड क्रॉस कर लूँ, तभी गाड़ियाँ चल पड़ी तो मुझे भाग के आना पड़ा। एक बंदा पीछे गुटखा खा रहा था, उसकी जॉ लाइन बड़ी तगड़ी बनी हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि जॉ लाइन तो तेरी तगड़ी बन गई है भीड़ू, पर आगे जब जाके मुँह का कैंसर होएगा ना फिर तू बड़ा पछताएगा। फिर आगे उसी टाइम उसने थूका और बोलता चढ़ता एफ आप, और फिर मैं मुँह झुका के नीचे आ गई। सैड लाइफ, आगे आगे जानो मेरे दुख। यार आजकल मैं व्लॉग में इतनी जस्ट किडिंग करती हूँ और मैं बताना भूल जाती हूँ कि ये जस्ट किडिंग था, तो फिर ये जो आपने गुटके वाला सीन देखा है जस्ट किडिंग था, तो मैंने जस्ट किडिंग ऐड ही नहीं किया, मतलब लोगों को लगेगी सच बात है। इतने थोड़ी मेरे में गट्स है कि मैं भी किसी को बोलूँगी। और व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही हैं, कोई महीने पुराना व्लॉग है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू एडिट माई व्लॉग्स क्योंकि हेल्थ मेरी कुछ सही नहीं चल रही, मेरे को पेन है काफ़ी, तो इसलिए अब अगला दिवाली का व्लॉग आएगा। दिवाली हुए पता नहीं 2 महीने हो गए शायद, तो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लो मेरे साथ, और कुछ नहीं कर सकते, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रीच्ड होम, नाउ अनबॉक्सिंग माय चार्जर। मैं आ रही हूँ, अब आ रही हूँ, कौन ही बताए आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। ये लग्जरी प्रोडक्ट, लग्जरी पॉश लाइफस्टाइल। जितने मैं अभी तक चार्जर खरीद चुकी हूँ ना, उतने में वो फोन आ जाए सेकेंड हैंड जिससे मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। बोला ना मैंने, ये एप्पल वाले ना बनाते हैं डैश, गुस्सा आता है मेरे को, दिल करता है एप्पल स्टोर सारे जाके तोड़ दूँ। और पिछला जो मैंने चार्जर लिया था उसका वारंटी कार्ड मेरे से घूम गया, और मैंने जिस जगह से लिया था वो मुझे जगह भी नहीं पता, जहाँ मैं लास्ट टाइम रहती थी उधर के ही पास था, अब मुझे याद ही नहीं। मोटी हो गई हूँ यार थोड़ी, कपड़े डाले अंदर ढेर सारे तो भी पता नहीं चल रहा, तो भी कमजोरी मेरी पता नहीं चल रही, मोटापा नहीं। ठीक है, कैसा लग रहा व्यू? और फेस से तो अब मेरे अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मैं पतली हूँ या कमजोर हूँ। कपड़े अगर मैंने तगड़े पहने तो फिर आई विल लुक फेस से नहीं, और अगर मैंने कपड़े बिल्कुल पतले मतलब एकदम क्रॉप टॉप वगैरह डाला है तो फिर लगता है कि मुंडी मैंने उठा के किसी और की लगाई है भाड़े पे। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, तो उस पर कॉमेंट आए आपका फेस आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ा लगता है, जो कि मुझे पता है, लेकिन अब बाकी भी फसल गया, अब आपको भी फसल गया। इतना फट्टू बल्ब लगा हुआ है ना ये, फट्टू, मैंने इसको फट्टू बोले, इसने ब्लिंक किया फट्टू, या तो इसका ब्लिंक करना मैंने अभी नोटिस किया या फिर ये सच में फट्टू है। मतलब फट्टू बल्ब लगा हुआ है यार, मतलब यहाँ पे ब्लॉग ही नहीं हो सकता। इस कमरे की लाइटिंग भी फट्टू है एक नंबर की। ये बल्ब मैंने इतना अच्छा बल्ब इतना अच्छा बल्ब लाया, बल्ब बोलते हैं ना, पता नहीं बल्ब, ठीक है, इतना अच्छा बल्ब लाया और ये स्विच बोर्ड ही खराब है। अब यहाँ अच्छी लाइट हो गई है, पूरी आ रही हूँ। कौन बताया आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ, ये भी मजाक ही तुम है। अबे ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, अभी लिमिट में रह तू, तो अभी लिमिट में रह, पुंछी ग्राई ग्राई मत बोलना, ठीक है, गाँव में नहीं रहती हूँ मैं शहर में रहती हूँ। बढ़िया ही बोल रही है, जबान चला रही है मेरे आगे। दिल्ली की हूँ मैं। हाँ तो दिल्ली की है तो एडवांस हूँ बहुत, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन 10 मिनट में सामान पहुँच जाता है, तुम्हारे वहाँ पे तो 1 महीना लगता है ही। वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है ना, नॉइस पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है, सूरज दिखता है अच्छा खासा, यहाँ पे तो मैंने सूरज भी नहीं देखा जब से मैं आई हूँ, पहाड़ है वहाँ पे सुंदर सुंदर, तेरे यहाँ के लोग ना छुट्टियों में वहाँ पे आते छुट्टियाँ मनाने हमारे पहाड़ों पे, ठीक है, ज़्यादा बोल मत। अपना पहाड़ देखा तूने वो कूड़ेदान का, बोलती बंद होगी अब, बदतमीज। कितना गंदा यार ये, अबे चलाना भी नहीं आता मेरे को ये, अबे ज्यादा हो गया एस्थेटिक के चक्कर में, अबे चिपक गया सारा। कैसे काटते हैं यार, खिच खिच खिच
3, 2, 1 हाथ बिल्कुल पीछे रखना, हाथ नहीं काटना, ठीक है? 3, 2, 1 गो। हाथ कट गया? जस्ट किडिंग, नहीं कटा। कुछ ज्यादा ही किडिंग करने लगी है तू है? यार लिटरली अगर मेरा मूड ऐसा हो ना तो मैं रोज व्लॉगिंग करूँ। ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, मूड अगर ऐसा हो यार, मुझे लग रही है रोज व्लॉगिंग करूँ और एडिटिंग ना करूँ। अभी मेरे पास पीछे 2, 3 या 4 ब्लॉग्स पड़े हुए एडिट करने के लिए। लाइफ इज वेरी हार्ड यार, प्याज काटने के बाद ऐसा तो नहीं होता। जो मिर्ची ये प्याज काटने के बाद लगी है ना, मेरे को लिटरली इतनी मिर्ची कभी नहीं लगी। मतलब मैंने बहुत प्याज काटे पर इसमें कुछ अलग ही मिर्ची थी यार। चल क्यों गया यार ये? तेरे को बोल के गई थी ना नहीं चलाना। अरे तुम्हें क्या करूं, इंडक्शन का भी तो बोल के जाना चाहिए था ना। अबे यार सही बात है। तो अरे आप सोच रहे होगे ये क्या है यार, तो अभी तक इसका एपिसोड आ गया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या है। अगर नहीं आया है तो फिर स्टे ट्यून्ड, एक नया कैरेक्टर मैं खुद का लॉन्च करने वाली हूँ, या तो वो आ गया होगा होपफुली। थोड़ा डर रह के, मतलब कुछ नया कर रहे हैं, डर होता है ना कि लोग पता नहीं उसको पसंद करेंगे कि नहीं। अगर चुटकी मार के ट्रांजिशन करोगे तो शिमला मिर्च के साथ आलू भी आ जाएंगे अपने आप। आटा तो मैं आशीर्वाद लाई थी पर ये तो भूला ही नहीं। यार क्या कभी आपने इतना डिलीशियस फूड देखा है? मतलब बताओ आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना पानी? ये मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ। क्या खाना बनाया यार, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। मुंह में पानी मत लाओ प्लीज, खुद बनाओ और खाओ, ठीक है? डॉगो क्यों मोंग रहे हो? डॉगो ओए सुंदरी मुंदरी, सामने कोई चुड़ैल तो नहीं है? डर लग रहा है। चुड़ैल हाय, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, बाहर रहूं अंदर नहीं आ रहा। मेरे पास तो कोई भगवान का फोटो भी नहीं है। डॉगी कौन है वहां पे बता देना यार। सुंदरी मुंदरी जो भी है अंदर ना आना। कुंडी मार देती है, मेरे पास तो भगवान का फोटो भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सो जाते, कोई नहीं आना। क्या पता ये भूतों मेरी आवाज हो कि जो खिड़की खोलेगा हम उसके घर जाएंगे, जो खिड़की नहीं खोलेगा हम उसके घर नहीं जाएंगे। अरे शुक्र गणेश जी का फोटो लगा हुआ है, पर गणेश जी तो भूत नहीं भगाते ना, हनुमान जी भूत भगाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के सोऊंगी। गुड नाइट। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। तो आज है 21st of October और मैं मॉल आई हूँ, मॉल आई हूँ। तो यार फोन ना गिरा देना प्लीज, फ्रंट ना मारी शो सीधे दोनों हाथों से कर ले। मैं मार दूंगी थप्पड़ एक मुंह पे। चलो अब लाइट आ रही है अच्छी। फोन को फोन के साथ ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे इंसान है? मार दूंगी थप्पड़। कबाड़ी वाला कबाड़ ले लो, कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला कबाड़ ले लो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।